सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई मिस योर वन टैप, मतलब कि गाइज आपका वन टैप मिस क्यों होता है। अब देखो गाइज, आपका वन टैप नहीं लग रहा है तो आप लोग ये नहीं मान सकते कि आपको वन टैप नहीं आता है। गाइज कहीं ना कहीं आपका वन टैप मिस हो रहा है, इसीलिए आपका वन टैप नहीं लग रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एकदम परफेक्टली वन टैप लग जाएगा। आप मिस्टेक क्या करते हो एंड आपका वन टैप मिस कहाँ से एंड कैसे होता है, मैं पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है। वन टैप कैसे मारते हैं वो ट्रिप्स नहीं है। अब देखो गाइस, आपका जब भी वन टैप नहीं लगता तो वहां पे आपका वन टैप मिस हो जाता है, ठीक है। एंड मैं वही बताऊंगा कि आपका वन टैप मिस क्यों हो जाता है एंड कैसे मिस होता है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड गाइस, ऐसे ही हेडशॉट से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भी कर सकते हो। चलो वीडियो को कर लेते स्टार्ट। आपका वन टैप मिस होने में दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला, कि जिस टाइम भी आप लोग फायर करते हो तो जो गोली होता है वो एनिमी के सर से ऊपर से निकल जाता है। एंड दूसरा रीजन, कि जैसे आप लोग फायर करते हो तो आपका गोली आपके एनिमी के बॉडी से चिपक जाता है, ठीक है। ये दोनों ही रीजन मेन हो सकते हैं। तो अब क्या करें? सो गाइस, यहां पे डिपेंड करता है आपका सेंसिटिविटी। यहां पे गाइस बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये कहेंगे कि यहां पे आपका गन रिकॉइल करता है, बट गाइस वन टैप के अंदर आपका गन कभी भी रिकॉइल नहीं करता, आपका वन टैप मिस हो जाता है, ठीक है। रिकॉइल गाइस उस टाइम आता है कि जिस टाइम भी आप लोग कंटिन्यू फायरिंग करते हो, एंड वन टैप के लिए गाइस आप लोग कभी भी कंटिन्यू फायरिंग नहीं करते होगे, ये तो आपको पता होगा। वन टैप के लिए आपको एक ही गोली मारना होता है, एंड एक गोली जब भी आप लोग किसी भी वेपन से मारते हो तो वहां पे रिकॉइल बिल्कुल ही नहीं आता। सो यहां पे आपका सेंसिटिविटी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब भी आपका गोली आपके एनिमी के हेड से ऊपर से निकल जा रहा है, ठीक है, सो वहां पे आपके सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम कर देना, ठीक है। अगर 100 है तो उससे थोड़ा सा कम करके देखो, एंड अगर 100 से भी कम है तो उससे भी थोड़ा सा कम करके देखो, क्योंकि अगर आपका हाई डिवाइस होगा एंड हाई सेंसिटिविटी होगा तो आपका एनिमी के हेड से ऊपर से गोली निकल जाएगा। दूसरा, कि एनिमी के बॉडी पे रैम लॉक हो जाना, सो वहां पे आपका सेंसिटिविटी डिपेंड करता है। वो सेंसिटिविटी कैसे डिपेंड करता है, कि आपका सेंसिटिविटी अगर कम होगा तो आपका यह सीन हो सकता है। सो आपको वहां पे आपके सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, एंड उतना ज्यादा भी नहीं बढ़ा देना, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाना है। एंड बाद में आपको ट्रेनिंग में जाके देखना है क्या आपका वन टैप लग रहा है, अगर लग रहा है तो वो सेंसिटिविटी रख सकते हो, अगर नहीं लग रहा है तो फिर से आप लोग थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। सो इस टाइप से गाइस आपका सेंसिटिविटी इस टाइप से काम करेगा। एंड बहुत सारे यूट्यूबर तो क्या करते हैं कि आपको पहले से सेंसिटिविटी बता देता है कि ये सेंसिटिविटी वन टैप के लिए परफेक्ट है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, बट ऐसा नहीं होता गाइज। अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी परफेक्ट होता है। सो गाइज, ये मेन रीजन हो सकते हैं जिससे आपका वन टैप मिस होता है। एंड दूसरा, कि गाइज रेंज, ठीक है, रेंज भी मैटर करता है आपके वन टैप मिस होने में, क्योंकि गाइज लॉन्ग रेंज आप अगर वन टैप के लिए चूज करोगे तो आपका वन टैप ज्यादातर मिस ही होगा। बट आप लोग जिस टाइम भी वन टैप मार रहे हो एंड आपको अगर वन टैप मारना है तो आप लोग हमेशा मिड रेंज को चूज करो, ठीक है। क्लोज रेंज एंड लॉन्ग रेंज के अंदर आपका वन टैप लगने का चांस कम है, एंड मिड रेंज के अंदर आपका वन टैप लगने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए आपको मिड रेंज बहुत ही ज्यादा चूज करना है जिस टाइम भी आप लोग वन टैप मार रहे हो, ठीक है। अगर गाइज इनको आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे ना तो लिटरली गाइज आपका वन टैप एकदम मक्खन की तरह लगने लगेगा। एंड सेंसिटिविटी क्या होता है गाइज, मैंने अभी आपको समझाया। बहुत सारे यूट्यूबर कैसे सस्ते नशे करते, जो यार पहले से सेंसिटिविटी बता देते वो भगवान है क्या यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। बाकी गाइज तुम्हारा भाई लालियो आपको जो भी बताएगा परफेक्टली बताएगा। सो चलो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लो गाइज, बाय बाय।